आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वासंतेय नवरात्र का आरंभ आगाज हो चुका है। बसंत ऋतु या चैत्र नवरात्र इसे कहा जाता है। बसंत ऋतु के कारण वासंतेय नवरात्र कहा जाता है। दुर्गा चौक स्थित त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता का दरबार हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से पर्व त्योहारों का तांता आरंभ हो रहा है। इसका आगाज, इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। मंगलवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ हो चुका है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नव वर्ष का शुभारंभ गुड़ी पड़वा से होता है, जो चैत्र नवरात्र का पहला दिन माना जाता है। इस दिन शक्ति उपासना का व्रत, वासंतीय नवरात्र, दुर्गा पूजा का शुभारंभ कलश स्थापना से किया जाता है। इसके उपरांत लगातार पूरे नवरात्र में, वैसे नवरात्र दो बार मनाई जाती है, एक शारदीय नवरात्र होती है और एक वसंती नवरात्र। नवरात्रि देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रात्रों का समय। इन नौ रात्रों 10 दिनों के दौरान शक्ति अर्थात देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इसमें से माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वसंती और दूसरा अश्विन मास में शारदीय माघ और आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्र और वसंतीय नवरात्र प्रमुख रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाई जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता दुर्गा चौक में विराजी हैं और ये बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ ये जो प्रतिमा है बहुत मनमोहक और ऐसा माना जाता है कि जागृत प्रतिमा इससे माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म के श्रद्धालुओं के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। वैसे नवरात्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। कई राज्यों में नवरात्र को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। भारत देश में ये पर्व हमेशा की तरह इस साल भी पूरे श्रद्धा भाव और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की पहली तिथि से नवरात्रि 2024 की शुरुआत हुई है। इस दिन हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री माता का पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दोनों नवरात्र में, शारदेय और वसंते नवरात्र में, माता के कलशों की स्थापना भी की जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर सलोनी मनमोहक प्रतिमा आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी माता की। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता यहाँ विराजी हुई हैं अपना सौम्य रूप धारण किए हुए। इस तरीके की मान्यता भी है कि इस देवालय में जाकर माता के सामने जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी जरूर होती, इस तरीके की मान्यता यहाँ पर है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर एक श्रद्धालु माता की प्रतिमा को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। लोग यहाँ आते हैं और माता की प्रतिमा के अनेक स्वरूप, अलग अलग भावों में जैसा आपका भाव रहेगा वैसी प्रतिमा आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वे माता की प्रतिमा की फोटो भी यहाँ सर लेकर जाते हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी देखा गया है कि वे अपने वॉलपेपर्स में, मोबाइल के वॉलपेपर में भी इसे लगाते हैं। इस देवालय के पुनरुद्धार का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। मंदिर समिति के द्वारा
अपील बार बार की जाती रही है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर के पुनरुद्धार में अपना सहयोग देना चाहे वे मंदिर समिति को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, पर जब भी मंदिर समिति को सहयोग प्रदान किया जाए वे रसीद अवश्य प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण देव लाइन से बैठे हुए माता की पूजा अर्चना करते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, सारे ब्राह्मण देव यहाँ बैठकर पाठ कर रहे हैं। नवरात्र में देवालय में किया जाने वाला पाठ बहुत फलदायी होता है, इस तरीके की मान्यता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देवालय आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये वाला देवालय जो है त्रिपुर सुंदरी माता राज राजेश्वरी अपनी मोहक सलोनी प्रतिमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनका स्वरूप देखते ही बनता है, लोगों की नज़रें माता की प्रतिमा से, श्रद्धालुओं की नज़रें हटती नहीं दिखती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जगह जगह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जवारे कलश स्थापित करवाते हैं, साथ ही यहाँ पर प्रसाद भी अर्पित करते हैं, नारियल अर्पित किया जाता है, श्रीफल अर्पित किया जाता है। देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्राह्मण देव यहाँ पर जितने भी हैं वे बैठकर पाठ करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ आपको दिख रहा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस नवरात्र के अवसर पर किए जाने वाले पाठ का फल बहुत ज़्यादा मिलता है और आप अगर स्वयं पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम है। और अगर आप वैसे जो मान्यता है कि पाठ बहुत विधि विधान और नियम के साथ किए जाने चाहिए, अगर आप पाठ स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी आचार्य को संकल्प देकर आप पाठ भी करा सकते हैं। चैत्र नवरात्र का आगाज 9 अप्रैल से हुआ है, 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर जिला मुख्यालय में विशाल रैली निकलेगी जिसमें सभी सनातन धर्मी बंधुओं से अपील की गई है कि वे इस रैली में अपनी सहभागिता जरूर दें। दुर्गा चौक स्थित शहर के मध्य में स्थित है दुर्गा चौक, दुर्गा चौक स्थित माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ये दरबार सजा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।